हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम सीखेंगे क से ळ तक लिखना। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क। तो क के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। नाउ कीप पेंसिल इन द सेंटर, बीच में रखेंगे पेंसिल। मेक अ लूप सर्कल और इसे हम क्रॉस करते हुए अब इसकी टेल बनाएंगे लाइक दिस। ओके, ये हमारा बन गया क। अब बनाएंगे ख। ख यहाँ से बनाएंगे, वन फिंगर गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। देखो ये वन फिंगर गैप आ रहा है ना दोनों वर्णों के बीच में, तो अब वन फिंगर गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पर क बनाया तो यहीं पर ख बना दिया, थोड़ा गैप दे के। अब यहाँ से स्मॉल कर्व, वन मोर कर्व, गो अप, मेक अ सर्कल, नाउ अप एंड डाउन। ये क्या बन गया, ख। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ख कैसे बनता है। अब क के बाद क्या, क ख आगे क्या लिखेंगे, ग। तो ग के मैंने बताया था कैसे लिखेंगे ग, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके, एंड स्टैंडिंग लाइन बिग टिल दिस लाइन, ओके, लाइक दिस। अब बनाएंगे घ। घ यहाँ से कर्व, अगेन कर्व, गो अप एंड कम डाउन एंड स्लीपिंग लाइन। ये लाइन इस घ से टच नहीं होनी चाहिए, ओके, ये गैप दिखाई देना चाहिए। अब लास्ट में हमारा क्या बच गया है, अड़। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, अगेन नीचे टच करेंगे इसको, लाइन पे टच किया ऊपर लेके गए, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट एंड स्लीपिंग लाइन, फाइन। अगेन वी विल मेक दिस हेयर स्टैंडिंग लाइन, कीप पेंसिल इन द सेंटर, मेक सर्कल, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर दोबारा लेकर आना। ये देखो हमने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर हम दोबारा आ गए हैं, और यहाँ से ऐसे टेल बना दी हमने। ख बनाएंगे ऐसे, इसका छोटा सा, और फिर सर्कल, गो अप एंड डाउन लाइक दिस। नाउ ग, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन, गो स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। ये दोनों कभी बराबर नहीं होते, ये गैप दिखना चाहिए। अब घ, स्मॉल कर्व, लिटिल बिट बिग कर्व, गो अप, कम डाउन एंड स्लीपिंग लाइन। अब ड, यहाँ से स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ऑपोजिट कर्व, टच द लाइन एंड स्लीपिंग लाइन लाइक दिस। ओके, सो यू आर टू डू दिस इन योर नोटबुक्स। बाय।